इस वीडियो में मैं आपको रामधारी गुप्ता खंड दो से प्रतिलेखन संख्या 19 की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूं, जिसकी स्पीड होगी 100 शब्द प्रति मिनट। यदि आप लोगों को शॉर्ट हैंड लिखने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है, गलतियां अधिक आ रही हैं, तो आज ही आप हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासें सुबह और शाम दोनों समय चलती हैं। चाहे आप अभी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो या रिपोर्टर की, सभी के लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था है। मैंने एडवांस आउटलाइन की बुकें तैयार की हैं, उनको आप ले सकते हैं। बुकों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बुक खरीदने पर आपको 5 दिन की फ्री ऑनलाइन क्लास दी जाएंगी। यदि ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको एक बुक फ्री दी जाएगी। रामधारी गुप्ता खंड एक और खंड दो को लिखने में कहीं भी कोई दिक्कत आपको आ रही है, तो मैंने इनकी एडवांस आउटलाइन की बुक तैयार की है, इनकी हिंदी की बुक तैयार की है, और इनको पूरा ट्रांसलेट किया है शॉर्ट हैंड में, उसकी भी आपको बुक मिल जाएंगी। शॉर्ट हैंड संबंधी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बुकों को परचेज करना है और कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है, तो अब मैं आपको डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहिए। रेडी। आदरणीय साथियों, भारत में पंचायती राज की मान्यता सदियों से रही है। पंचों में परमेश्वर वास करता है, ऐसी हमारी मान्यता रही है। वेदों में कहा है कि 5 व्यक्ति समर्पित रूप से मिलकर यज्ञ को पूर्ण करें। स्वर्गीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मान्यता थी कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। जब तक गांव स्वतंत्र नहीं होते, देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होगा। गांधी जी के अनुसार सच्चे लोकतंत्र का परिचालन केंद्र में बैठे 20 व्यक्तियों द्वारा नहीं कराया जा सकता है। इसका क्रियान्वयन प्रत्येक गांव के निवासियों के माध्यम से ही होना चाहिए। उनके अनुसार जन समर्थन प्राप्त पंचायतों को कोई भी कानूनी कार्य करने से नहीं रोक सकता। गांव का प्रत्येक समूह या उस समूह के सदस्य अपनी पंचायत बना सकते हैं। चाहे भारत के अन्य गांवों में पंचायतें हों अथवा नहीं हों, गांधी जी की यह मान्यता थी कि हर अधिकार कर्तव्य से ही मिलता है। ऐसे अधिकारों से कोई भी वंचित नहीं रह सकता। पंचायत लोगों की सेवा करने के लिए है, तथा भारत का हर लोकतंत्र इकाई गांव ही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के संबंध में अंकित किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए अग्रसर होगा, तथा उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। इस उद्देश्य से प्रेरित होकर भारत सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए समय समय पर कदम उठाए हैं। 2 अक्टूबर 1952 को भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास हेतु सामुदायिक सरकार द्वारा विकास खंडों को अनुदान राशि दी गई। भारत सरकार ने देश के ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास करने हेतु पंचायत राज संस्थाओं के संबंध में 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। इस समिति ने सिफारिश की कि विकास से संबंधित समस्त कार्यों को पंचायती राज संस्थाओं को सुपुर्द कर दिया जाना चाहिए। पैराचेंज। समिति की सिफारिश के अनुसार ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें पूर्णतः निर्वाचित हों। इनमें 2 महिला, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि मनोनीत हो। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति विकास के समस्त कार्य हाथ में ले।
ऐसी व्यवस्था हो कि पंचायत समिति धीरे धीरे एक सक्षम प्रजातांत्रिक संस्था के रूप में कार्य करे। जिला स्तर पर पंचायत समिति में समन्वय रखने हेतु प्रत्येक जिले में जिला परिषद का गठन हो तथा उसमें सांसद विधानसभा सदस्य भी सदस्य रहें। भारत सरकार द्वारा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने हेतु पंचायती राज व्यवस्था शुरू की जाए। राजस्थान सरकार ने देश में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में दीप प्रज्वलित कर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आरंभ की। यद्यपि राज्य में ग्राम पंचायतें पहले से थीं, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति व जिला स्तर पर जिला परिषदों का गठन किया गया। वर्ष 1960 में प्रथम चुनाव हुए। फुल स्टॉप। दोस्तों ये थी 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य भेजिएगा। शॉर्ट हैंड संबंधी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।